पिछले वीडियो में हमने एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में उसके कारण और उसके सिम्टम्स देखे। इस वीडियो में हम उसके ट्रीटमेंट और ऐसे क्या चीज़ें हैं जो हम अवॉइड कर सकते हैं ताकि हमें एलर्जिक राइनाइटिस या फिर जुकाम, सर्दी, प्रतिक्षाय हो ही ना। नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनाली स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है निरोगी काया। जिन लोगों ने एलर्जिक राइनाइटिस के कारण पॉजिटिव फैक्टर्स और उसके सिम्टम्स के बारे में जो वीडियो बनाया था वो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या फिर ऊपर आई बटन पे दे दूंगी, आप उसे ज़रूर चेक कीजिएगा। आयुर्वेद में बागवत संहिता में एक चिकित्सा का श्लोक आया है वो इस तरह है। ट्रीटमेंट का भाग सोचते हुए ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है जिस कारण की वजह से हमें एलर्जिक राइनाइटिस या फिर सर्दी जुकाम हुआ है उन कारणों को अवॉइड करें या फिर उन्हें ना करें। जैसे ठंडी चीज़ें नहीं खाना है, बहुत देर ठंडी हवाओं में नहीं घूमना है, दिन में सोना, रात में जगना, बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें खाना या फिर बहुत ठंडी चीज़ें खाना या फिर बार बार खाना। जैसे ही आपको लगता है कि आपको सर्दी जुकाम होने वाली है तो उसी समय आप अपने आप को आइसोलेट करें, गर्म जगह पर रखें, गर्म जगह पर रहें, कपड़े गर्म पहने, खाना बहुत लघु यानी डाइजेस्ट होने में हल्का ऐसा आहार लेना चाहिए, हो सके तो एक भुक्त यानी एक टाइम का खाना खाए और शाम का खाना अवॉइड करें ताकि एक समय की जो अग्नि है वो हमारी सर्दी जुकाम ठीक करने में लगेगी और एक समय का जो खाना हम खा रहे हैं वो हमें ताकत देने में यूजफुल रहेगा। जनरली होता क्या है कि बहुत ज़्यादा खाना खाने में आता है या फिर मुंह में टेस्ट नहीं होती, इसलिए बहुत अलग अलग रेसिपीज़ बना के खाए जाते हैं, तो ऐसे ना करें। उस समय जब हमें ठीक नहीं लग रहा है उस समय हमने लघु यानी डाइजेस्ट होने में हल्का आहार लेना चाहिए। और अगर आपको रात के समय खाना खाना ही है तो आप या तो फिर दूध ले, हल्दी डाल के, ज्वार की लाह्या भी कहते हैं वे भी आप लाह्या ले सकते हैं, या फिर आप भुना हुआ खाना, भुना हुआ अन्न भी ले सकते हैं। जैसे दाल और चावल को अच्छे से भून लिया है और फिर उसका दाल चावल बनाकर आप खा सकते हैं। इस तरह से अगर आप खाना खाते हैं तो अग्नि के लिए ये अन्न डाइजेस्ट करने में बहुत आसानी हो जाती है। जब भी कोई विकार शरीर में उत्पन्न होता है तब आयुर्वेद कहता है लंघनम परम औषधम, यानी अगर आप लंघन करते हैं तो वो ही आपका परम औषध हो जाता है, वो सबसे बेस्ट औषधि होती है। इसलिए आप जब भी बुखार आता है, जब भी आपको कोई और सिम्टम्स होता है तब आपकी टेस्ट चले जाती है, यानी शरीर बोलता है कि आप कुछ ना खाओ या फिर कम खाओ ताकि पेट में जो दोष पड़े हैं उसे अच्छे से डाइजेस्ट कर सके और व्याधि को ठीक कर पाए। तो ऐसे ही सर्दी जुकाम या फिर प्रतिक्षाय या फिर एलर्जिक राइनाइटिस में भी आप कर सकते हैं। कम खाए या फिर भुना हुआ खाए, एक टाइम ना खाए ताकि आपके व्याधि के लक्षण बहुत जल्द ठीक हो सकते हैं। किसी किसी लोगों में ये देखा जाता है कि बार बार जुकाम होता है, बार बार एलर्जिक राइनाइटिस होता है, तो ऐसे में आपको अन्य कोई व्याधि तो नहीं ये भी आपने चेक कर लेना चाहिए। शरीर में अगर कोई अन्य व्याधि होते हैं जैसे पांडु रोग जिसे हम एनीमिया कह सकते हैं, IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, अर्श यानी पाइल्स की तकलीफ है या फिर कॉन्स्टिपेशन है, पेट ठीक से साफ नहीं हो रहा है, इन रोगों के वजह से भी शरीर में कॉमन कोल्ड, सर्दी या फिर जुकाम एज अ सिम्टम्स करके दिखता है। तो इन व्याधियों को अगर हम ठीक करते हैं तो हमारे जो कोल्ड कफ के जो सिम्टम्स है वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सर्दी के लिए हमें मेडिसिंस लेना है, कभी कभी कोई और रीज़न के वजह से भी सर्दी होती है तो उसे भी चेकआउट करना बहुत ज़रूरी है। जब भी शरीर में कोई दोष बढ़ते हैं तो शोधन और शमन ऐसे दो चिकित्सा आयुर्वेद में बताए हैं। शोधन में हम वमन, विरेचन, नस्य, रक्तमोक्षण ये सब आता है और शमन में हम मेडिसिन या फिर औषधि चिकित्सा करते हैं। आयुर्वेद कहता है अगर आप वमन, लघु वमन या फिर लघु विरेचन आप कराते हैं तो आपके व्याधि के लक्षण है वो जल्दी ठीक होने में और औषधि चिकित्सा बहुत असरदार आप पे काम करने में मदद होती है। विटामिन सी कोल्ड कफ को ठीक कराने में बहुत हेल्प करती है, इसलिए बहुत बार लोग ज़्यादा खट्टी चीज़ें खा लेते हैं या फिर फ्रूट्स या फिर बार बार फ्रूट्स खाने में आते हैं क्योंकि विटामिन सी रिच ऐसे होते हैं।
इस वजह से होता क्या है कि ज्यादा खट्टा खाने से भी गले में खराश या फिर गला बैठना, फिर जुकाम ज्यादा बढ़ जाना, ऐसा होता है। अगर आपको विटामिन सी खाना है तो कुछ इस तरह से आप खा सकते हैं। जैसे आपने नींबू शरबत बनाया, उसमें थोड़ा मिश्री मिलाई और उसके बाद उसे थोड़ा गर्म किया, यानी उसका थोड़ा सा आपने गर्म करके उसको पकाया, और उसके बाद आपने अगर वो खट्टी चीज़ सेवन की तो इससे आपका जुकाम जल्दी ठीक होने में बहुत सहायता मिलेगी। आप नसीय कर्म का भी उपयोग कर सकते हैं। इसमें भी दो प्रकार है, शोधन और शमन। शोधन के लिए आपको वैद्य से मिलना पड़ेगा, आपकी प्रकृति अनुसार वे आपसे शोधन चिकित्सा, शोधन नस्य क्लिनिक में ही कराएंगे। और अगर आपको शमन चिकित्सा करानी तो वो भी आपकी प्रकृति अनुसार, आपके लक्षण अनुसार वो आपको कौन सा नस्य ठीक रहेगा वे सजेस्ट करेंगे। तो नस्य भी इसमें बहुत उपयुक्त होता है। सर्दी जुकाम एलर्जिक राइनाइटिस में आपको गागल्स करना बहुत इफेक्टिव साबित होता है। एक चुटकी हल्दी और एक चुटकी एलम, जिसे हम स्पटिक बैग कहते हैं, इसका आप काढ़ा बना के गार्गल्स कर सकते हैं। इससे आपके गले में बहुत राहत मिलेगी और जो भी इन्फेक्शन है वो जल्दी ठीक होने में मदद होगी। सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट हमारी बॉडी ही हमें बताती है। अगर कोई भी लक्षण हमारे शरीर में निर्माण होने लगता है तो उसका हमारी बॉडी हमें इंडिकेशन देती है। जैसे अगर सर्दी जुकाम हो रही है तो पेट खराब होगा, पेट जब खराब होगा तो मल ठीक से पास नहीं होगा, गैस ठीक से पास नहीं होगा, पेट में भारीपन लगेगा या फिर सिर में भारीपन लगेगा। ये छोटी छोटी इंडिकेशंस आपको, या फिर भूख कम लगेगी, खाने की इच्छा नहीं होगी, ये छोटे छोटे इंडिकेशंस आपको शरीर हमेशा बताते रहता है। तो इस वक्त अपने शरीर की आवाज़ सुने और जो चीज़ें हमारे लिए ठीक नहीं है वो चीज़ें तब आप उसे रोक दें। अगर आपको सर्दी जुकाम जैसा लग रहा है और फिर भी आप ठंडी में घूम रहे हैं, ठंडी हवाएं शरीर के ऊपर ले रहे हैं, ठंडी चीज़ें खा रहे हैं, ठंडी चीज़ें पी रहे हैं, तो ऐसा कभी ना करें, क्योंकि ऐसा अगर हम करते हैं तो वो जो धातु दोष वो सब बिगड़ जाते हैं। तो इसलिए अपने शरीर की आवाज़, अपनी मन की आवाज़ ज़रूर सुने और वे चीज़ें अवॉइड करें जिससे हमारी तबीयत और ख़राब हो सकती है। इसमें हम आगे देखते हैं कुछ प्राणायाम, योगासन। अगर ये हम करते हैं तो हमारे शरीर में हमेशा ताकत बनी रहती है और कोई अन्य चीज़ हम पर अटैक नहीं कर सकती। कुछ योगासन जो हमें अच्छे रखने के लिए, हमारी अग्नि अच्छे रखने के लिए उपयुक्त है, उसमें है वज्रासन। दिस इज़ द ओनली आसन वी कैन डू आफ्टर मील। आप खाना खाने के बाद इस तरह के आसन कर सकते हैं ताकि आपका अग्नि अच्छा रहे, आपके अपनी जो अन्न खाया है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो पाए। और अगर आपका अन्न अच्छे से डाइजेस्ट होगा तो आपको कोई विकार छू भी नहीं सकेगा। पद्मासन, पद्मासन यानी कमल के जैसे हम बैठते हैं तो हमारी अग्नि अच्छी रहती है, पाचक अग्नि अच्छी रहेगी तो अन्न अच्छे से डाइजेस्ट होगा और इस वजह से हमारे दोष धातु मल समस्थिति में रह पाएगी। उसके बाद है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन से हमारी वायु की गति अच्छी रहेगी, जो एक्स्ट्रा वायु पेट में बनता है वो निकल जाएगा, इस वजह से हमारी अग्नि भी अच्छी रह पाएगी। उसके बाद है विपरीत करणी। इसके इस योगासन से करने से जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है टुवर्ड्स हार्ट हो जाता है, और ब्लड सर्कुलेशन टुवर्ड्स हार्ट हो जाता है, और अगर पांडु की वजह से यानी अनिमिया की वजह से आपको बार बार सर्दी हो रही है तो ये करेक्ट होने में भी ये हेल्प करता है। प्राणायामों में आप भ्रामरी, अग्निसार, कपालभाति, अनुलोम विलोम, इन प्राणायाम का आप अभ्यास करके यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा कोल्ड एंड कफ या फिर एलर्जिक राइनाइटिस हो ही ना। अब हम देखते हैं प्रिकॉशनरी, स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, ये आयुर्वेद का मोटो है। अगर हम ऐसे कुछ चीज़ें हमारे लाइफस्टाइल में लाते हैं ताकि हम कभी बीमार गिरे ही ना, कोई एलर्जेंस हम पे अटैक करे ही ना, उसमें सबसे पहले है रसायनों का सेवन। रसायन यानी केमिकल्स नहीं, रसायन यानी सप्त धातु को बल देने वाली, रस धातु का बल बढ़ाने वाली, और हमारे धातु अच्छे रहेंगे तो हमें कोई व्याधि नहीं हो सकती। तो इसमें च्यवनप्राश आप ले सकते हैं, लेकिन वो भी रसायन विधि से ही ले, ये लेह पद्धति से ले, यानी चाट कर ले, और इसका अभ्यास भी आप धीरे धीरे बढ़ाकर, इसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ाकर ही ले, ना कि एकदम से 3 चमचे 4 चमचे ले लिया, ऐसा कभी ना करें। अभ्यास पूर्वक इसका सेवन करें।
च्यवनप्राश जैसे औषधि आपने सुबह लेनी है, रात में नहीं, दूध के साथ नहीं लेना है, चाट कर लेना है। इसमें कुछ प्रिकॉशंस है, अगर आप ये फॉलो करते तो आपको च्यवनप्राश आपके हेल्थ के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकती है। और हमेशा अच्छे वैद्य से ही च्यवनप्राश लें। तो आशा करती हूँ आपको आज का ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और उपयुक्त लगा होगा। अगर हाँ तो इसे जल्दी से लाइक कर दीजिए और आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिए ताकि आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिलेगा। आयुर्वेद से जुड़े, आयुर्वेद को एक सेकेंड ओपिनियन दे के देखें ताकि आपका जीवन एक बेहतर जीवन हो सकता है और स्वस्थ रह सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही न्यू वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। नमस्कार।